हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू toppersexam.com। आज मैं आपको डेली करंट अफेयर के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर 25 मई 2022 की करंट अफेयर उपलब्ध है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के नए उपराज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनी अल्बानिस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1963 में। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी दे सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे विजिट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सब्जेक्ट वाइज अपडेट करंट अफेयर भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। साथ ही में डेली करंट अफेयर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की गई है, उनकी हेल्प से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।